नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार आ रहे हैं, जहां आपको बताएं कि लंबे समय से इस दिन का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कब लालू प्रसाद यादव बिहार आएंगे। तो आपको बताएं कि इसको लेकर औपचारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 फरवरी को राजद की कार्यकारिणी बैठक में लालू प्रसाद यादव भी शामिल होंगे। ऐसे में लालू प्रसाद यादव सशरीर शामिल होते हैं या फिर वर्चुअल शामिल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त कहा तो यही जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव कम से कम एक या दो दिन के लिए बिहार आएंगे। आपको बताएं कि इस बार बिहार आने के पीछे जो उद्देश्य है वो काफी बड़ा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और साथ ही आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह दोनों का ही कार्यकाल समाप्त हो रहा है और 10 फरवरी को ये तय हो जाएगा कि आखिर राजद का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि तेजस्वी यादव के नाम को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को अब राजद की बागडोर दे दी जाएगी, उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। ऐसे में 10 फरवरी को राजद की कार्यकारिणी बैठक हो रही है और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम जगदानंद सिंह की बात करें तो जगदानंद सिंह का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में अब ये जगदानंद सिंह की मर्जी है कि वो एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी को सौंपते हैं या फिर इस जिम्मेदारी को छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जगदानंद सिंह को अब कई सारी जो बेइज्जती है वो झेलनी पड़ी थी। कई लोग उनके खिलाफ हो गए, खुद लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने भी जगदानंद सिंह को खूब खरी खोटी सुनाई, उन्हें हिटलर तक कह दिया। और यही वजह है कि इस बार शंका है कि जगदानंद सिंह एक बार फिर इस जिम्मेदारी को संभालते हैं या फिर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे में जो बैठक 10 फरवरी को बिहार में होने जा रही है, इसमें बहुत कुछ राजद में बदल जाएगा। और साथ ही अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव भी एक नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें राजद की जो जिम्मेदारी है वो लालू प्रसाद यादव खुद सौंपने वाले हैं। ऐसे में कई तरह की बातें उठ रही है और अब जो लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा कि लालू प्रसाद यादव बिहार आएंगे और बिहार आते ही राजद की जिम्मेदारी अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। ऐसे में देखने वाली बात होती है कि 10 फरवरी को क्या कुछ तस्वीरें राजद कार्यालय से निकलकर सामने आती है, क्या कुछ बदलाव राजद में होता है और लालू प्रसाद यादव सशरीर उपस्थित होते हैं या फिर वर्चुअल माध्यम से जुड़ते हैं, इसको लेकर औपचारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक कहा यही जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव 10 फरवरी को राजद के होने जा रहे कार्यकारिणी बैठक में खुद शामिल होकर तेजस्वी यादव को राजद की जिम्मेदारी सौंप देंगे। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।